Good evening, everyone. So I welcome you all to an Academy platform. I know you all are my cheetahs. So class, जो बच्चे मेरी already classes देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक कवर हो चुका है एंड हम आज क्या करने वाले हैं. जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन निकाल के फिर ठीक है. हमेशा कभी भी मैम टेंशन टेंशन क्या होता है पता नहीं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री. केमिस्ट्री आपका एक साइंस का ही सब्जेक्ट है एंड हम केमिस्ट्री सिंपल ही नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत ही फन एंड इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे. तो ये कैसे कैसे फन एंड इंटरेस्टिंग बनेगा? जस्ट बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, एग्जाम्पल्स by relating with your life. Class, हम इतने experiments करेंगे, you know, हम जब भी experiments करेंगे, we will be knowing, हम ये experiment कर क्यों रहे हैं? हम कर रहे हैं तो करते कैसे हैं? और कर लिया तो क्या result है? Right? हम पूरा जानेंगे, जिससे आपकी बेहतर समझ बनेगी. So class, इसी ही अच्छे बात से आज हम अपनी session start करते हैं. I hope that you will be attentive and हमारी रोज ही क्लास 5 o'clock क्लास अपार चैनल पे होती है. तो क्लास आज हम चैप्टर 2 पे फोकस करने वाले हैं एंड उसमें दिस इज द पार्ट 3. इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है. आप क्लास अपार चैनल पे आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख सकते हो. सो द चैप्टर्स नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड वी विल बी लर्निंग इन अ वेरी फन वे. बहुत इंटरेस्टिंग से हम पढ़ने वाले हैं. Before starting the session, let me just quickly introduce myself. I am Rashmi Yadav and I graduated from Lady Shriram College from Bhopal. And currently I am a TGT teacher and in an academy I am from K-12 category. In class, I taught many students on both the platforms, both online and offline. So here I am to teach you and to make you masters of science. Class, yes, you can your school with an academy. कैसे? Just आपको subscription लेना है. उसके लिए you need to download the app, an academy learners app, जो play store पे बहुत easily available है. And वहाँ पर जाके 10% off चल रहा है. आपको ये code लगाना है RAY10 and आपको 10% off मिल जाएगा. ये कैसे 10% off है? यहाँ पर आपको जब आप डाउनलोड करोगे आप आपको कुछ ऐसी यू नो सब्सक्रिप्शन पेज दिखेगी. उसके अंदर यू कैन सी दे आर यू नो बेस्ड ऑन द मंथ्स आपके यहाँ पर चार्जेस लिखे हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पर ये वाला कोड यूज करते हो आपको फ्लैट 10% का भी ऑफर चल रहा है, आप इसको यूज कर सकते हो. सो यहाँ पर देखो आप एज यू नो 48 मंथ के लिए लेते हो सो यू आर पेइंग 40,000 एज इन टोटल. But over here you are only paying 36,000. So बहुत difference है, 10% off आपका मिल रहा है. So why not to avail it? What you are waiting for? So class, आज ही after this session आप जाओ अपना आप download करो and फटाफट से based on your comfortability आप अपना subscription ले सकते हो. क्यों subscription ले सकते हो? आपकी focus area थोड़ा सा और increase हो जाएगा and आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो. तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, भूख लग गई. क्लास अगर मैं भी आपको बोलूं ये जो नमकीन है, पूरा जो बाउल में नमकीन है, आपको करना है इसको सेपरेट. क्या करोगे? मैंने आपको ये टास्क दिया, क्या करोगे? व्हाट यू विल बी सेइंग, मैम हम अपना हैंड यूज करेंगे, हैंड यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, हम जितने भी पीनट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पीनट है हम उठा के साइड में रख देंगे, ऐसे ही जितने भी पीनट्स है हम इसको अलग अलग जस्ट बाय यूजिंग हैंड्स हम अलग कर देंगे. ओके ओके ठीक है, ये तो हो गया क्लियर. आप अपने हैंड से सबको सेपरेट कर दोगे लेकिन सारी चीजों को आप हैंड से सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे कि ये इंक, आप इन इंक को पानी के अंदर मिक्स कर दो, सो क्या आप उसे जस्ट बाय यूजिंग हैंड सेपरेट कर सकते हो? जैसे आप नमकीन को कर सकते थे हाथ को यूज करके, क्या इन इंक को पानी से सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ, या फिर एक बार इंक आपने मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, क्या वो जिंदगी भर तक डिसॉल्व रहेगा? आप सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये है हम अभी आगे पढ़ेंगे. सो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की बात अभी हमने जस्ट करी है
एंड क्लास उसके अंदर अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, जब हम एक से ज्यादा पार्टिकल ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक बीकर, बीकर में हमने ऐड किया मड, हमने ऐड क्या किया मड, एंड जब हमने मिक्स किया तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट. तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड जैसे कि आपने हैंड पिकिंग, आपने नमकीन के पैकेट को कैसे आपने सेपरेट किया था, हैंड पिकिंग से सेपरेट किया था. सीविंग, फिल्ट्रेशन, हम इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सीविंग क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम हर एक चीज को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम इतना माइनर चीज भी ना सेपरेट कर सकते हैं, बट कैसे वो हम अभी पढ़ेंगे. वी एक्सट्रीमली यूज दीज टेक्निक्स इन आर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल सीविंग क्या होता है, सीविंग आप जो मम्मा आपके इधर जो भी किचन में काम करते हैं वो जब आटा छानते हैं तो देखा है वो छलनी सी लेते हैं, राइट. तो छलनी क्या है, वो सीव कर रहे हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग. तो आप देख पा रहे हैं कैसे डे टू डे लाइफ में ये सारे प्रोसेसेस यूज होते हैं. और अगर अभी आपको याद हो जाए आप कैसे हर एक चीज को सेपरेट कर सकते हो, सो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी. ओके, however sometimes special technique are used to separate the components of a mixture whether homogeneous or heterogeneous. chahe wo aapka homogeneous hai chahe heterogeneous hai, kuch aapke special cheeze bhi aapke special techniques lagte hain. jaise ki aapke hand picking wagera ye to normal methods hai, physical method hai, lekin kuch kuch mein aapko special methods lagte hain. wo hum abhi dekhenge ki hamare wo processes kya hai. jaise ki abhi agar hum baat kare concentration of ore, the process of separating गैंगीज एंड फ्रॉम दी ओर्स. तो बेसिकली गैंगीज क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दी ओर. जितने भी ओर जो है, जैसे मान लो मेरे पास आई हैव अ बीकर एंड इस बीकर में पानी है, इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल वही टॉपिक ले लेते हैं मड, राइट. मड क्या है, इम्प्योरिटीज है, राइट. सो ये क्या हो गए, गैंगीज एंड और बाकी द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी सेपरेटेड. फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्ट मैटर है इसके अंदर से हम मड एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट. तो पानी हो गया ओर्स एंड मड हो गया हमारा गैंगीज, इम्प्योरिटीज, राइट. तो क्लास ये हमारे कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं. आई नो आपको कुछ कुछ प्रोसेसेस पता होंगे, लेकिन हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हर एक प्रोसेस में होता क्या है. जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, ओके, सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. इतने सारे मैम 10 प्रोसेसेस. यस क्लास 10 प्रोसेसेस हैं एंड ये इतने इजी हैं, इतने सिंपल हैं. हमें बहुत मजा आएगा इसको याद करने में, बिकॉज हम अभी इसको एक्सपेरिमेंट एंड यू नो बहुत चीजों से हम देखेंगे. यू नो फिल्ट्रेशन की बात करी जाए तो फिल्ट्रेशन कैसे होता है, क्यों करते हैं, होता है तो क्या रिजल्ट आता है. ओके क्लास, तो क्लास अभी हम ये मानेंगे कि हम कहाँ गए हैं, जंगल में, बहुत ही घने जंगल में हम जा रहे हैं. एंड यहाँ पर कितने लोगों को ट्रैकिंग पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज राइट ये चैट बॉक्स में फटाफट यस लिखो. मुझे ये देखना है यहाँ पर कितने बच्चों को ट्रैकिंग पसंद है. एंड क्लास जिन्होंने ऑलरेडी ट्रैकिंग कभी जंगल में अगर कभी भी गए हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग. ऐसा तो नहीं होता है आप मस्त जा रहे हो टहलते टहलते एंड वहां पर है वाटर कूलर, फुल वाटर कूलर आपका प्रेजेंट है, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, प्योरीफाइड, बहुत ही प्यारा पानी, यू नो साफ होकर पानी आ रहा है, और आप गए आपने ओपन किया टैप और आपने पी लिया. ऐसा तो नहीं होता. क्या होता है, यस ऐसा पानी मिलता है जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, आपको बिल्कुल ऐसा पानी वहां पर देखने को मिलेगा. सो अब आपको लग रही है बहुत तेज प्यास, क्या करोगे, पी लोगे इस पानी को, हाँ क्या मैं पी लोगे तो पी लो. लेकिन क्लास हम एक और ऑल्टरनेटिव भी हम देखेंगे. हमें लग रही है बहुत तेज प्यास, हमारे पास सिर्फ पानी ये है, हमें पीना है, लेकिन हम इसे तो पी नहीं सकते, कितना गंदा है ये, हम इसे क्या करेंगे, एक प्रोसेस है, हम इसको साफ कर सकते हैं, बिल्कुल पीने वाला पानी बना सकते हैं. जो आप कहीं मर्जी चले जाओ इस दुनिया में, कैसा भी पानी, ऐसा पानी तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन उसको आप साफ कर सकते हो और पी सकते हो. तो जिंदगी में कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैम प्यास से मर गए आज तो, है ना, क्योंकि आपको ये प्रोसेस आता होगा.
आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर हमारे ने क्या किया, मिक्स मड को मिक्स कर दिया। मड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे मिक्सअप हो गए हैं, पानी के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्सअप हो गए। सो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ऐसे सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस, राइट, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं, राइट। वैसे सॉल्यूशन को हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें हमारे एक से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और हम उसके अंदर ऐसे डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अगर आप मड को और पानी को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए सेटल होने का वेट करो, क्या होगा, नाउ यू कैन गेस, ये रहा पानी ये रहा मड, कह सकते हो, राइट। सो आपके जितने भी मड पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हो गए हैं मिक्स। सो इसको हम कैसे करेंगे सेपरेट, ये क्लास वी विल बी डूइंग इट बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको करेंगे सेपरेट। क्या होता है ये प्रोसेस, हम इसको अभी पढ़ेंगे। जैसे कि फिल्टर पेपर सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, फिल्टर पेपर। इसमें आपको ऐसा, आपका ये फिल्टर पेपर होता है सर्कल में, आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ सर्कल, राइट, दिस सर्कल, वॉट यू विल बी डूइंग, सो फॉर दैट इनिशियली यू विल बी फोल्डिंग इट इंटू द हाफ, आई विल बी फोल्डिंग इट इंटू हाफ। आफ्टर फोल्डिंग इट, देखो इसको बिल्कुल ऐसे आधे में कर दो फोल्ड, आफ्टर फोल्डिंग इट देन यू विल बी फोल्डिंग इट अगेन, आप इसका जो मिड है उससे आप इसको कर दो फिर से फोल्ड। तो हम इसको कर देते हैं फिर से फोल्ड, ओके। सो अगेन हम क्या करेंगे, इसको हमने कर दिया फोल्ड, नेक्स्ट नाउ वी हैव टू फोल्ड इट अगेन, हम और फोल्ड करना है। सो हम इसको कर देते हैं और फोल्ड, आप देख पा रहे हो मेरे पास कुछ ऐसा शेप बन गया है एंड वैसा ही शेप आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, फाइनली जब हमने ये तीन बार प्रोसेस कर लिया है, हमारे पास कुछ फिल्टर पेपर ऐसा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मेरे पास ऐसा था, इसको कर दो उल्टा एंड इसको क्या करोगे, यहाँ से ये जो है पॉइंट इसको यहाँ से पकड़ो एंड इसको करो ओपन, ये क्या हो गया, कैन यू सी द फनल शेप, कैन यू सी, आई कैन पुट माई फिंगर इन, राइट, इट्स अ फनल शेप। सो ये तो छोटा सर्कल है, आप बड़ा सर्कल ले सकते हो और उसका आप फनल शेप बना सकते हो। सो बेसिकली क्लास ये क्या हो गया, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को लेके आपको बनाना है बिल्कुल फनल शेप, ये होता है आपका फनल शेप। आपको अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है, आप टिश्यू ले लो, टिश्यू पेपर आपका हो गया, एक पेपर से तो नहीं होगा कुछ, दो तीन पेपर ले लो, तो दैट विल एक्ट एज अ फिल्टर पेपर, समहाउ वो पार्टिकल्स को रोक लेगा, राइट। तो आप टिश्यू पेपर यूज करो, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना क्या होगा। आप फॉर एग्जाम्पल आपने जो वॉटर बीकर में आपने क्या ऐड किया, मड ऐड किया था, राइट, आपका क्या होगा, ये आपने फाइनल आपने यूज किया, अगर आप इसके अंदर पानी ऐड करोगे तो मड के पार्टिकल तो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, राइट। सो क्या होगा, कैसे फिल्टर होगा वो देखो, हमारा बिल्कुल देखो इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हो, पहले तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है फनल। आप एक पेपर लो, चाहे वो स्क्वायर है यहाँ पे सर्कल है, आप उसको जैसा प्रोसेस बताया है आप उसको ले लो, फनल बनाओ एंड उसको ये जो फनल ट्यूब है उसके अंदर इंसर्ट करो। तो नाउ दिस इज वॉटर, ये जो है वॉटर है, इसको इसलिए ऐड किया है कि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, उठ के आ रहा था ना बाहर, तो इसको इसलिए इस पे ऐड कर दिया। पानी हमने, वॉटर हमने बीकर में ऐड किया है, हमने मड को ऐड किया है और हमने इसको क्या किया, अभी मिक्स कर दिया। मिक्स कर जाने अच्छे से, जब पूरे पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे से, अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से करेंगे पास। फिल्टर पेपर से जैसे ही पास करेंगे क्या होगा, सोचो, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा, सारे नीचे आ जाएंगे, छनके आ जाएंगे, जैसे हमारे पार्टिकल छनके आते हैं वैसे आएंगे जब आप छलनी से छानते हो, क्या होगा। अगर नहीं आएंगे तो नो लिखो, आएंगे तो यस लिखो, राइट फास्ट इन द कमेंट बॉक्स, क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर सारे के सारे, देखो सारा मड भी यहीं पर ही है, वॉटर भी है, लेकिन नीचे देख पा रहे हो क्लीन वॉटर, बिल्कुल क्लीन वॉटर आ रहा है, ऊपर मड इकट्ठी हो गई है और नीचे फुल क्लीन वाटर है, ठीक है क्लास। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो यू नो दैट इमेज देखी थी, इतना गंदा पानी, आपको क्या करना है, 24 घंटे हम फिल्टर पेपर थोड़े लेके घूमते हैं, इट इज जस्ट अ सिंपल पेपर, राइट, पेपर विल आल्सो वर्क। हम क्या करेंगे, हम पेपर लेंगे, पेपर को हम फनल शेप बना लेंगे, फनल शेप को हमने फिर
ऐसे यू नो अगर आपके पास फनल ट्यूब है अमेजिंग, बट हमेशा फनल ट्यूब नहीं होता है राइट। सो हमारे पास क्या है, बॉटल होती है राइट, प्लास्टिक की कितनी सारी बॉटल होती है, सो यूजुअली लोग फेंक देते हैं, वी कैन यूज इट इन अ प्रोटेक्टिव वे। हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे यहाँ से बीच से, बीच से काट देंगे तो वो कुछ ऐसा शेप आ जाएगा, यूं करके शेप आ जाएगा। तो दिस इज अ फनल शेप, इसके ऊपर रखेंगे हम अपना फिल्टर पेपर, इधर सिंपल पेपर रख दिया, और ये तो हमारा कैप का मुंह है राइट, जहां पर आप कैप लगाते हो ठीक है। अब आपने क्या किया, जो भी आपका गंदा पानी है ये आपको पीना है, आपने क्या किया ऐड किया और आपने नीचे रख दी अपनी बीकर, इधर ग्लास, आपने जब ऐड किया पानी आ जाएगा इसमें क्लीन वाटर, एंड यहाँ जितने भी पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे वो होंगे मड के पार्टिकल। क्यों मड के पार्टिकल्स क्लास, आपके मड के पार्टिकल्स क्या है, बड़े पार्टिकल्स हैं, मड के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो वो आपके पेपर में ही, फिल्टर पेपर के अंदर ही स्टक हो जाते हैं, वो आगे पास हो ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा आपके मड हो गए दूसरी तरफ, बॉटल निकल गया, आप इस पानी को पी सकते हो। नाउ यू कैन इजीली सेपरेट, कभी भी गंदा पानी दिखे आप चुटकियों में आप उसको साफ कर सकते हो और पी सकते हो। अगर क्लास आपके एग्जाम में प्रोसीजर आ जाए, सो जो भी अभी हमने एक्सपेरिमेंट करा है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, दिस इज रियली यू नो आई रोट दिस इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वर्ड्स सो दैट आपको हर एक स्टेप याद हो जाए। फर्स्ट स्टेप, मिक्स मड एंड वाटर इन अ क्लीन ग्लास बीकर, क्लीन होना चाहिए, कोई और पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए मड के अलावा, वाटर और मड के पार्टिकल्स ही होने चाहिए अगर आपको कोई भी पानी प्योरीफाई करना है तो, वाटर एंड मड। The color of the mixture will turn brown. Yes, because हमारी जो mud है, that is brown in color, right? अगर brown है, तो it will turn into brown color. Take a circular filter paper. हमने ये देखा था, circular filter paper हमने लिया and fold it into half. हमने half में उसको कर दिया divide. So हमारे पास कुछ बच गया ऐसा paper. Okay, and then half again so that cone shape will be formed. Then हम इसको half और कर देंगे तो हमारा ऐसा कौन शेप बन जाएगा, और उसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। टू यूज द फिल्टर पेपर ओपन इट अप इनटू अ कौन शेप, कौन शेप बन गया फिल्टर पेपर का, तो आप ये लिख सकते हो कि आप फिल्टर पेपर को कट ऐसे करना है, फाइनली यू हैव टू मेक अ कौन शेप। ओके सो क्लास पुट अनदर ग्लास बीकर बिलो द फनल, इसी फनल के नीचे आपने एक और ग्लास बीकर रखा है, pour the mud water slowly into the cone. Slowly, slowly आप mud water को इसके अंदर cone के अंदर add करोगे with the help of a glass rod. Glass rod क्यों? Just to mix it up. Mix कर दिया and वापस से आप इसको funnel के अंदर क्या करेंगे? Add करेंगे. Watch it drip through the filter paper and funnel. अब आप now you will be watching. Now what is your role? Everything is happening on their own, right? सब चीज अपने आप हो रही है. अब आप observe कर रहे हो कि क्या साफ पानी आ रहा है। इट विल बी ऑब्जर्व्ड क्लीन वाटर गेटिंग कलेक्टेड इन द अदर बीकर प्लेस्ड बिलो द फनल एंड मड इन द फिल्टर पेपर। मड फिल्टर पेपर में रह गया और आपका क्लीन वाटर इस बीकर में आ गया। सो ये क्या हो गया, ये प्रोसीजर है आपका कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर पेपर। साफ घर पे ट्राई करना, आप एक पेपर ले लो, टिश्यू पेपर ले लो, एक मड वाटर लेना, पास करो एंड देखो आपका मड ऊपर रह जाएगा और क्लीन वाटर नीचे आ जाएगा, है ना। एंड क्लास अदर देन दिस, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये मडी वाटर लिया, इस मड वाटर को हमने फनल में ऐड किया, क्या हो गया क्लीन वाटर आ गया, यहाँ रह गया मड, इसको कहते हैं रेजिड्यू, रेजिड्यू राइट। मड को कहते हैं जो भी हमारा यहाँ पर रह जाता है, दैट इज रेजिड्यू, एंड ये तो क्लीन वाटर है ही, क्लीन वाटर एंड दैट इज रेजिड्यू। तो याद रखना ये जो पार्ट है हमारा, इसको क्या कहते हैं, रेजिड्यू, याद रखना इसको ठीक है। और दिस इज क्लीन वाटर, ये जो पानी यहाँ पर आया है दैट इज क्लीन वाटर, ठीक है क्लास। सो इतना ही हमारा है इवेपोरेशन पे, एंड आई होप आपको समझ आ गया है सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को हम यूज करेंगे और उसको हम आगे कैसे फिल्टर, यू नो कैसे हम फिल्टर पेपर को यूज करके हम पूरा फिल्ट्रेशन को, पानी को प्योरीफाई करेंगे, मड को, रेजिड्यू को अलग करेंगे और क्लीन वाटर को अलग करेंगे। यस, आपने हाथ लगाया नहीं है, ऐसा नहीं है आपने मड अब छाट रहे हो हाथ से, हैंड पिकिंग तो है नहीं, मड को आप हाथ से उठा उठा के इधर उधर कर रहे हो और पानी निकल रहा है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस।
तो इतने सा है हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अगर किसी को कोई भी डाउट है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपके लिए वो ओपन है, आई विल बी सीइंग देयर और आई विल बी रिप्लाइंग यू बैक जो भी डाउट है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के रिलेटेड। इधर आपको कोई और प्रोसेस याद है, अगर आपको याद पता है कि हम मड और वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं अदर देन दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अदर देन दैट क्लास, इफ यू रियली लाइक माय सेशन प्लीज लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट, बिकॉज दे आर अदर्स आल्सो, सो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। So class, please share it and subscribe it. And class, don't forget to use my code RAY10. आप Unacademy Learners app download करो and वहाँ पर आपको Unacademy Learners app में ही 9, 10, 11, 12 की subscription list दिख जाएगी। वहाँ पर जब आप ये कोड ऐड करोगे RAY10, आपको flat 10% off, वो मुफ्त वाला चल रहा है offer. So class, what you are waiting for? फटाफट जाओ and download the app and take the subscription. Thank you and let's crack it.